दोस्तों जो लोग लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें यूज करते होंगे वो तो लेनोवो ब्रांड से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, लेकिन जो लोग इस ब्रांड को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि लेनोवो ग्रुप लिमिटेड, जिसे कि लेनोवो पीसी इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता है, एक चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी है जो आमतौर पर पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेज जैसी बहुत सारी प्रोडक्ट को डिजाइन, डेवलप और बेचने का काम करती है। और दोस्तों लेनोवो 2013 के बाद से सेल्स यूनिट के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा पीसी वेंडर है और आज के समय में यह 60 से ज्यादा देशों में काम करता है और लगभग 160 देशों में अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है। और इस कंपनी के फाउंडर का नाम है लियो चुआंजी, जिन्होंने काफी संघर्षों के बाद यह कंपनी शुरू किया और इसे शिखर पर पहुंचाया। यहां तक कि वे शुरुआती दौर में खुद पर्सनल कंप्यूटर्स को साइकिल पर रखकर डिलीवर करने जाते थे और IBM जैसी बड़ी कंपनी के पीसी बिजनेस को खरीदने वाले इस शख्स ने कभी अपने पिता के पुराने सूट पहन IBM के एजेंट के तौर पर सबसे पीछे वाली लाइन में बैठा करते थे। तो चलिए दोस्तों लेनोवो ब्रांड के इस इंस्पिरेशनल जर्नी को हम शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1944 से, जब चीन के शंघाई के पास जेजियांग नाम की जगह पर लियो चुआंजी का जन्म हुआ। अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने मिलिट्री पायलट बनने के लिए सारे एग्जाम्स भी पास कर लिए, लेकिन भर्ती के समय उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि वे मिलिट्री में काम करने के लायक ही नहीं। जिसके बाद लियो ने कंप्यूटर से संबंधित पढ़ाई करने की सोची और फिर उन्होंने जेडियान यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। हालांकि उनकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे थे कि उन्हें यहाँ पर अपनी मनपसंद सेक्शन नहीं मिल पाई और उन्हें राडार की पढ़ाई से काम चलाना पड़ा। हालांकि उन्हें यहाँ पर कंप्यूटर को जानने का अच्छा खासा मौका मिल गया। आगे चलकर 1970 में उन्होंने CAS यानी चाइना एकेडमी ऑफ साइंस में काम किया, लेकिन वहां काम करते हुए वे अपनी सैलरी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें सिर्फ 100 युआन हर महीने के मिलते थे और दोस्तों बता दूं कि एक युआन भारतीय 9.75 रुपए के बराबर होता है। अपनी कम सैलरी से परेशान होकर 1 नवंबर 1984 को लियो ने 10 लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी खोली और इसके लिए उन्होंने कुछ फंड अपनी पहली कंपनी से लोन में लिए थे और इस कंपनी का नाम लियो ने लीजेंड रखा। हालांकि इस कंपनी को शुरुआती दिनों में फंडिंग के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि उन दिनों स्टार्टअप के लिए चीन की सरकार का कोई भी सपोर्ट नहीं था। उन्होंने इस मुश्किल हालातों में टेलीविजन इंपोर्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वे फेल हो गए और फिर डिजिटल वॉच मार्केट में हाथ बढ़ाया, लेकिन उनका यह काम भी नहीं चल सका। दरअसल 10 लोगों की टीम में से किसी को भी बिजनेस का ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन गलतियों से सीखते हुए लियो और उनके साथी आगे बढ़ते रहे और फिर 1985 में लीजेंड ने कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले एक सर्किट बोर्ड को डेवलप किया, जिसे कि वे IBM को बेचने में सफल रहे और यह लियो के कंपनी के लिए सबसे पहली सफलता थी। 1988 में लियो चुआंजी ने हांगकांग में अपनी कंपनी का एक और ऑफिस खोला और कुल 5 एम्प्लॉयज के साथ वहां शिफ्ट हो गए। इस कंपनी के जरिए वे हैवलेट पैकर्ड, जिसे कि हम HP के नाम से जानते हैं, और तोशीबा के कंप्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करने लगे और इस काम में पैसे बचाने के लिए उन्होंने खुद और अपने साथियों के साथ साइकिल पर और पैदल जा जाकर कंप्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया और कुछ इसी तरह से जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाने लगी और लीजेंड चीन की सबसे बड़ी कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन गई। 1980 में कंपनी ने लीजेंड ब्रांड नेम के तहत खुद की कंप्यूटर बनानी और बेचनी शुरू की और फिर धीरे धीरे यह कंपनी चाइना में प्रसिद्ध होने लगी। 1994 में इसे हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया और उस टाइम इसका फाइनेंस करीब $30 मिलियन तक पहुंच चुका था और कंपनी करीब 1 मिलियन पीसी बना चुकी थी। 1997 में लीजेंड को चीन का बेस्ट सेलिंग कंप्यूटर ब्रांड के तौर पर पहचान मिली और यहां तक कि इसने चाइना के मार्केट लीडर IBM तक को पीछे छोड़ दिया था। साल 2000 में लीजेंड की टाइनेक्सी नाम की कंप्यूटर की 10 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिकी और यह कंप्यूटर चीन का बेस्ट सेलिंग कंप्यूटर बन गया। 2002 में कंपनी ने मोबाइल फोन्स भी बनानी शुरू कर दी और फिर आगे चलकर 2003 में लियो ने डेल जैसे वर्ल्ड फेमस ब्रांड से कम्पीट करने के लिए अपनी कंपनी का नाम लीजेंड कंप्यूटर को लिमिटेड से बदलकर लेनोवो ग्रुप लिमिटेड कर दिया
और इसी साल उन्होंने अपनी ब्रांडिंग के लिए 200 मिलियन युआन भी खर्च किए थे। 2006 में लेनोवो ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदने के लिए करीब $1 बिलियन की डील की। इसके पहले चाइना में ज्यादातर कंप्यूटर्स बिना ओएस के ही मिला करते थे। और भारत में लेनोवो की पहचान तब बढ़ी जब 2012 में तमिलनाडु सरकार ने 1 मिलियन लैपटॉप बल्क में ऑर्डर किया था। और लेनोवो लैपटॉप की सबसे फेमस सीरीज थिंकपैड के 2015 तक 100 मिलियन यूनिट्स बेचे जा चुके थे। तो दोस्तों, ये थी लेनोवो ब्रांड की स्टोरी, जिसे 10 लोगों के साथ शुरू किया गया था और आज इस कंपनी में 60,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। और इसका रेवेन्यू 2016 के आंकड़ों के अनुसार लगभग $43 बिलियन है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी अब डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी टॉपिक की वीडियो बनाऊं, तो एप्लीकेशन में ही जाकर आप अपने सुझाव को हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।